आप बताइए किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होने वाला है। अभी आपने घटना देखी होगी संसद में भी, जो है संसद की सुरक्षा भी धूमिल हो गई है। जैसा देश का माहौल चल रहा है उस हिसाब से अब हम उस सरकार को चुनेंगे जो महंगाई इससे भी ज़्यादा कर दे, जो इससे भी कम नौकरियाँ दें। उल्टा करना है अब हमें, क्योंकि भैया देखो महंगाई कम करने पर कांग्रेस लड़ी और नहीं जीती, तो हमें वो सरकार चाहिए जो महंगाई और बढ़ा दे। और हम चाहते हैं कांग्रेस और आए और मोदी जी से डबल महंगाई करके जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा। अरे जनता को फायदा चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे फायदा लेके, क्या करेंगे फायदा लेके बताओ। जनता को चाहिए राम मंदिर, कांग्रेस आ जाए दो चार राम मंदिर और बनवा दे, बात खत्म। महंगाई का क्या करेंगे हम। लेकिन मुझे ये बताइए जो अभी संसद में जो एक दुर्घटना हुई है उसको किस तरह से देख रहे हैं, जो सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक बताई जा रही है। वही बताना चाह रहा हूँ भैया, संसद में जो घटना हुई, अब देखो जिन लोगों ने घटना की उनके वीडियो अलग अलग वायरल हैं, कोई स्टूडेंट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जो भी है वो महंगाई का तो मुद्दा उठा ही रहे हैं कि महंगाई हो रही है। दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। तरीका उनका गलत था जो भी था, और उसके अलावा जितने भी लोग थे वो सब बीजेपी की पार्टी के लोगों द्वारा पास मिला था उन्हें, कोई भी विपक्ष के नेता का पास दिया हुआ पास पे नहीं आया था उसमें। और संसद के अंदर ऐसी घटना होना ये सीधे सीधे दर्शा रहा है कि देश के प्रतिनिधि जो है जब वो सुरक्षित नहीं है तो देश क्या सुरक्षित होगा, बॉर्डर क्या सुरक्षित होंगे। ठीक है, खैर बॉर्डर तो सेना के हाथ में सुरक्षित है मगर देश आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं है, और ये बहुत बड़ी नाकामी है। और इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, और ये घटना उस दिन घटी है जिस दिन देश में संसदीय हमले की बरसी थी। और अगर इस घटना में कोई मुसलमान लिप्त होता तो जाहिर सी बात है आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। अब तक क्या कार्रवाई हुई उन पर पता नहीं, कितनी सजा होगी पता नहीं, खबर उड़ा दी गई है। अब कुछ नया होगा फिर कोई नई खबर आ जाएगी और वो लोग गोल हो जाएंगे, कुछ नहीं पता जी। मोदी जी का एक बयान आया है तो मोदी जी ने, अच्छा पहले मुझे ये बताइए आप सहमत हैं, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो आप उनसे सहमत हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था या कोई और आपकी नज़रों में, पहले इसका जवाब दीजिए सहमत है या नहीं है। मैं सहमत, मुझे एक, मैं आपको नहीं लगता कि हम लोग महात्मा गांधी से ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हैं या मोदी जी। भाई अगर मोदी जी महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानते हैं, उनके आदर्शों को अपना आदर्श मानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान उनकी सपने को आगे साकार करने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की छवि को अपने दिल में मानते हैं, तो ये भी मान लें कि महात्मा गांधी के पास नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ज्ञान था, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा समझ थी, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बुद्धि थी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो आज देश की छवि है, देश एक अलग होता है, देश ये भारत एक नया भारत अलग भारत होता आज। कैसे होते प्रधानमंत्री ये बताओ पटेल भाई, देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इलेक्शन हुआ 51-52 में और वल्लभ भाई की पटेल की मृत्यु हो गई 50 में, तो फिर कैसे होते। उससे पहले जो वो झंडा फहराया उन्होंने वो पार्टी के अध्यक्ष थे और भैया भावी प्रधानमंत्री थे, देश के औपचारिक प्रधानमंत्री थोड़ी थे। प्रधानमंत्री तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बाद ही बनेगा ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बाद ही बनेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम आ रहा है 26 जनवरी 1950 को, मतलब देश का प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्या बोलोगे तुम। गृह मंत्री जो भाई अब तक समझ में आ रहा था भक्त हैं, उन्हें ज्ञान नहीं, इतिहास पढ़ते नहीं। ठीक है, अब हमने ये भी उम्मीद नहीं की थी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी, उनको भी इतिहास की जानकारी नहीं है। कम से कम बोलने वक्त, बोलने से पहले उन्हें खुद सोचना चाहिए जो वो बोल रहे हैं वो कहीं से कहीं तक भी सत्य है कि नहीं है, तो झूठ बोल रहे हैं। और भाई मुझे अफसोस है हमारे देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री डंकी की चोट पर झूठ बोलते हैं और अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या बोलोगे, सबसे सच्चे तो बताते हैं कि हम सबसे सच्चे हैं, सबसे राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को बताते हैं वो लोग। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है जिसका जन्म आज़ादी के आंदोलन में नहीं हुआ, ठीक है, आज़ादी के कई सालों बाद हुआ, ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है ना, ऐसे राष्ट्रवादी नेता हैं वो जिनका जन्म तक आज़ादी के टाइम पे नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हो, राष्ट्रवादी होने के लिए ना नेहरू की तरह 11 बार जेल जाना पड़ता। सर्टिफिकेट क्या राष्ट्रवादी होने का, फिर ये तो बता दीजिए। सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, देश हित में काम करोगे अपने आप राष्ट्रवादी हो जाओगे। नहीं करेगा देश हित में काम, नहीं कर रहे, जब देश में देश के लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो, एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा हो तो देश हित कैसे हो गया। देश बनता है देश के लोगों से, और देश के लोग क्या हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, इस देश में डेमोक्रेटिक चलता है ना मामला, तो सभी धर्म के लोग हैं, तो भाई देशवादी कैसे हो गए वो, भाई राष्ट्रवादी कैसे हो गए बताओ। भाई देश के सभी संप्रदाय को मानना पड़ेगा ना, देश की अनेकता में एकता को मानना पड़ेगा, तो अनेकता में एकता जब मानेंगे तो देश के सभी संप्रदाय एक साथ खड़े होंगे, ना कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। ये पहली सरकार है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब कहने को तुम कुछ भी कहते रहो कि कहाँ खिलाफ है, कहाँ दंगा हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, सबको पता है, एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है देश में क्या माहौल चल रहा है। भाई विदेशों तक में चर्चा है,
भाई दुनिया के सारे देश कह रहे हैं कि भारत सुरक्षित नहीं है, कम्युनल वॉर बढ़ गए यहाँ पर, ठीक है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, मीडिया की रैंकिंग कर रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें और क्या जानना है? अच्छा, इसके बाद आपसे एक और सवाल है मेरा कि अभी राजस्थान में जो है सीएम दावेदार वसुंधरा राजे जो है उनको जो है सीएम नहीं बनाया गया है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि उनको ना बना के क्या लग रहा है कि कांग्रेस में शामिल हो सकती है? क्या अशोक गहलोत से उनकी कोई बातचीत ऐसा लग रहा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बातचीत नहीं चल रही और कोई सीएम। तमाम लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगी और अब दोबारा से जो है कांग्रेस सरकार बनाने वाली है वहाँ पे, आप कांग्रेस का बड़ा पक्ष रखते हैं, तो इसलिए आपसे कहना। अब चिड़िया चुग गए खेत, ठीक, अब क्या होगा? अब भैया शामिल हो भी जाएंगे तो क्या होगा, सरकार तो बन गई, अगर होना तो पहले हो जाती, ठीक, या फिर रिजल्ट के बाद हो जाती, अब आके क्या होगा, अब पछताए क्या भाई, जब चिड़िया चुग गए खेत। वसुंधरा राजे की अहमियत तो खत्म हो चुकी। आपने कभी साउथ की मूवी देखी है? वहाँ पर जब हीरो होता है तो विलन जो होता है वो हीरो को सीधा सीधा नहीं मारता, पहले उसकी रिस्पेक्ट खत्म करता है, ठीक है, पहले उसकी इज्जत खत्म करता है, पहले लोगों को उसके खिलाफ करता है, उसके बाद उसको सजा देता है, ठीक है, फिर बाद में उसका बेटा पर होता बदला ले ले अलग बात है, लेकिन हीरो के साथ होता है ऐसा ही है, तो पहले उसकी रेपुटेशन खत्म की जाती है। तो शिवराज हो, वसुंधरा राजे हो, पहले इनकी रेपुटेशन खत्म करी है, ठीक है, और रेपुटेशन उसी वक्त खत्म हो गई जब वो सीएम पद गई, सीएम का उन्होंने शपथ नहीं ली, या पहली बार जब सीएम के लिए उनका चेहरा आगे नहीं किया गया, कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, ठीक है, तभी उनकी रेपुटेशन खत्म हो चुकी थी। अब उसके बाद तुम कुछ भी कह लो कि वसुंधरा के अंडर ये है वो है, शिवराज का पावर है ये है वो है, रेपुटेशन खत्म, ठीक भाई, तुम्हारा करियर खत्म, अब तुम नॉर्मल से विधायक हो, ठीक है, और उसी की तरह जिंदगी गुजारनी है, बस बात खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है, शिवराज सिंह जो पूर्व सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, महिलाएं कह रही हैं कि हमने तो आपके नाम पे वोट दिया था, रो रही हैं उनके साथ, और उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो यही तो सोचना है कि अगर शिवराज के नाम पे वोट मिले थे तो, और शिवराज की योजना के नाम पे मिले थे तो शिवराज को क्यों नहीं बनाया तुमने, ठीक भाई, कांग्रेस ने पूछा था सवाल कि तुमने ओबीसी क्यों नहीं बनाया आज तक मुख्यमंत्री, तो भाई चाहे मानो चाहे मत मानो, माननी तो कांग्रेस की पड़ेगी, और अंततः ओबीसी सीएम मिल गया, ठीक है, मध्य प्रदेश को, भाई सपना कांग्रेस ने दिखाया, एक बीजेपी ने पूरा कर दिया, एक अब कहीं ना कहीं भाई कांग्रेस मॉरेलिटी की बात कर रही थी तभी तो उसकी बात माननी पड़ी, भले ही कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन बात तो ओबीसी समाज की थी और ओबीसी समाज के हक में फैसला हो गया, ये कांग्रेस की वजह से हुआ, चाहे भले ही बीजेपी ने लिया, ठीक, और भाई मामा का वजूद तो ख़त्म कर चुकी है बीजेपी, अगर वजूद होता तो जब इलेक्शन हो रहे थे तभी सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पे शिवराज सिंह चौहान को आगे रखा जाता, ठीक है, नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। तो ये तो एक पार्टी है जो दो व्यक्ति विशेष पर चल रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ठीक है, और मैं तो कहूँ अमित शाह पे भी नहीं चल रही, ठीक, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चल रही है, ठीक, एक ही फेज है पूरी पार्टी में, जब तक अभी तक कांग्रेस पार्टी पर लग रहे थे ना कि भाई परिवार बनावें, तो भाई ये भी एक परिवार ही है, जितने बंदे बनते हैं वो आरएसएस से ताल्लुक रखने चाहिए, अगर आपका संबंध आरएसएस से नहीं है तो आप बीजेपी में कहीं नहीं पहुंच सकते, ये रियलिटी है, ठीक है, बीजेपी में कुछ किसी पद को पाने के लिए आपका आरएसएस से ताल्लुक होना जरूरी है, और यही परिवारवाद है, ठीक है, और यही धर्मवाद है। आपको मैं देख रहा हूँ आप जो है बीजेपी का बड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे तीन राज्यों के नतीजे आए हैं, लग रहा है कि आपकी जो सपना है एक आपका बीजेपी को खदेड़ना 24 में वो पूरा होता दिख रहा है क्या? मेरा सपना बीजेपी को खदेड़ना ही नहीं है, कितने का, और बीजेपी से मेरी जाति दुश्मनी है इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ, मेरा सीधा सीधा सा सपना है कि देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम का राज हो, ठीक है, डेमोक्रेसी का राज हो। अभी राजतंत्र तो है ना, डेमोक्रेटिक तो चल रहा है ना देश। अच्छा, कोई बंदा 10 साल 15 साल 20 साल तक कुर्सी थाम के बैठ जाए, एक को कुर्सी छोड़े ही ना, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है। कांग्रेस ने भी तो नहीं छोड़ी ना 60 साल, कहाँ से छोड़, क्यों, कांग्रेस में कौन एक ही बंदा प्रधानमंत्री रहा 60 साल, मुझे बता दो, हर बार प्रधानमंत्री बदला है ना भाई, 10 साल 15 साल 5 साल 2 साल 1 साल ऐसे रहे, प्रधानमंत्री का तो फेस बदलता रहा है, नई नई सरकारें आई हैं भाई, कांग्रेस ने कितने प्रधानमंत्री दिए देश को भाई, 15-16 प्रधानमंत्री तो दिए हैं ना लगभग भाई, कुछ कम टाइम के लिए बने, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने कई बार, तो भैया ऐसा नहीं है किसी एक बंदे की पॉलिसी से देश नहीं चलेगा, फिर वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और देश सबकी सोच विचारों से चलता है, देश में 750 सांसद हैं लगभग, तो 750 सांसद क्यों चुने जाते हैं, एक ही बंदा चुन लिया जाए, हर इलाके की बात रखने के लिए एक प्रतिनिधि बंदा होता है ना, और अगर वो बंदा विपक्ष में है तो उसकी बात रखी क्यों नहीं जा रही, आज विपक्ष की हालत क्या है, कुछ नहीं है, तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ठीक है,
भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब ही यही है कि हर बंदे की भागीदारी हो देश की कानून व्यवस्था में, देश की न्यायिक व्यवस्था में, ठीक है, विश्वास हो उसका। और भाई एक बंदे की सोच से नहीं चलेगा कि एक बंदे ने कहा राम मंदिर बनना चाहिए तो बन जाए, एक बंदे ने कहा वहाँ सिंगल रखना चाहिए तो रख जाए, एक बंदे ने कहा भाई वसंत भवन नया बनना चाहिए तो बन जाए। अभी तक जितने डिसीजन हुए हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के जैसे तो नहीं लग रहे मुझे, राज्यशाही लग रही है। एक राजा कहता मेरा महल बनवाओ, बन गया जी संसद, ठीक है। एक राजा कहता जी हम ऐसा करेंगे एक कानून लाओ, रात को दो बंदे सोचते हैं, सुबह कहते हैं अप्लाई, सारा देश सड़कों पे, बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, प्रोटेस्ट चल रहा है। अरे माना प्रोटेस्ट करने वाले गलत होंगे, माना उनकी समझ में नहीं आया, समझाएगा कौन, समझाएगा कौन, सरकारी समझाएगी ना आके, तो सरकार अपनी अलग से बैठी हुई है, समझाने के नाम पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाएगी, समझाने के नाम पर मुकदमा हो जाएगा, तो कहाँ बची डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी थी, ये राजद्रोह का मुकदमा लगवा देते हैं, उसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बना देते हैं, ठीक है। तो ये कोई बात जी, क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बेकार है ये सरकार, जैसा बेकार सरकार कभी नहीं आया। क्या क्या कर दिया आपके साथ ऐसा? राशन भी वही हाल किया, बेरोजगारी कर दिया, महामारी कर दिया। बेरोजगारी कहाँ, काम करके आ तो रहे, देखिए बैग बैग का महीना चार महीना पर ओवर टाइम आज दिया ना, तो कहाँ दे रहा, कमा कंपनी में चला, बेचारे परेशान तो चला, हमारे वो से ना चलेगा, हमें मिल रहा 8 घंटा 12 घंटा। मोदी को वोट देंगे, क्यों देंगे, क्या काम कर दिया उन्होंने? कौन सा काम नहीं किया बताओ, कौन सा काम नहीं किया? अरे कौन सा काम किया आप, यहाँ ये वही 25 फुटा है, यहाँ कोई खड़ा हो पाता था? आज हम लोग खुले घूमते हैं, बहन बेटिया सब आती है, भाई गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं इधर देख के, यहाँ सामने देख के, हाँ कहीं देखना हो, गलत कह रहे हो तुम। और क्या क्या भाई, अभी अमिनुल भाई आएंगे आपके पास, और क्या क्या काम किया मोदी जी ने? भैया हम लोग गरीबों के लिए सब कुछ किया, जो कोई नहीं कर सका वो उनने किया, टेंडर तो सबने भर दिए लेकिन करके किन्ने पूरा किया, जिसने किया जो चल रहा 10 साल से उसे देंगे, क्यों दूसरे को वोट देंगे इलेक्शन आ रहे हैं? तो 3 काम बताएंगे मोदी जी के, मोदी जी के 3 काम देखो, सबसे पहली बात बहन बेटियों के लिए सेफ्टी की, दूसरी बात गुंडागर्दी खत्म की, और तीसरी बात के लिए मैं बोलूंगा नहीं, बस नहीं बोलूंगा ना, बता के जाइए क्या डर क्यों रहे हैं आप, मोदी जी का पक्ष रख रहे हैं और भाग रहे हैं? नहीं डरने वाली बात नहीं है, तीसरी बात ये हो गई, लग रहा आप ही सेफ नहीं है, आप भाग रहे हैं और क्या गुंडाराज खत्म हो गया? नहीं गुंडा इसे कैसे सेफ नहीं है, भाग क्यों रहे हो फिर? अगर आप सेफ हैं जब तो खड़े होने, तो भाग रहे हैं, डर वर लग रहा है, आइए आप क्या बता रहे हैं, इधर आइए, इधर आइए, क्या बता रहे, डर क्यों रहे हो तुम ना, डर क्यों रहे हो? अरे हमें तो लगता है कुछ काम ही नहीं हुआ, अब तुम्हें लगता है तो तुम बताओगे, अब तुम सेफ, तुम अपना जितना दिखता भैया हमने उतना बता दिया, ज्यादा दिखता कम है फिर, इसका मतलब है नहीं दिखता पूरा है। क्यों? हम भैया काम करते हैं पूरे दिन, इतना टाइम मिलता है हमें, हम सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, तो 9 बजे ड्यूटी पहुंच पाते हैं। अरे अंकल जी कहां, क्या हो गया, क्या नुकसान हो गया आपका? मैं कहा मोबाइल का चोरी डकैती तो अभी हो रही है, सारा काम हो रहे हैं अभी, क्यों खुश क्यों है ये मोबाइल खूब छिन रहे हैं? चलो इंदिरापुरम, और क्या जन कितनों के छिन गए, इंदिरापुरम दिखाएं, चले जन कितने छिन गए, गेटो कंपनी का गेटो के सामने छीन ले, मैं गुंडागर्दी खत्म, खत्म हो गई, थोड़ा हल्का मतलब क्या? अरे जैसे खुले यहाँ निकलते थे, कभी 25 फुटा था, कभी यहाँ आते थे, ऐसे होता था, वो तो सब बंद है ना, अब नहीं हो रहा मेरे भैया। अंकल जी जहाँ आप खड़े हैं वहाँ भी खड़ा नहीं हो जाता था 14 से पहले, आपको पता है भाई ने पहले क्या हुआ, पहले रोड पे चलक रहे ना है, रोड पे चलक रहे ना है, पहले फोन कर छिन गया, फोन हमारी कंपनी का आकर 3 फोन छिन गए गेट पे से, तुम कर रहे हो जगह जगह छिन रहे, 10-15 दिन पहले हैं सीढ़ियों के पास में लड़ाई नहीं हो रही, काम अच्छे थोड़ी, काम बता दीजिए आप, काम बता दीजिए। अरे भैया मुझे माफ करो यार, काम वाम है कुछ मोदी जी के बढ़िया लगे? नहीं भाई हमें नहीं लगे कुछ बढ़िया, बोझ लो, चाहिए चाहिए क्या कंपनी में, तो 2 रोटी कमा रहे हैं यार भाई साहब, कमान दो सुकून से, मजे काहे को ले रहे हो तुम, मजे थोड़ी ले रहे हैं यार, जानने आए भैया कि कौन सी सरकार अच्छी है, सरकार ओबीसी की बढ़िया लगे हमें तो भाई, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चल रहा है, क्या क्या बढ़िया चल रहा है कुछ बताएंगे? सब चीज बढ़िया है, और बाकी सरकार ने तो कर ही रखा है ना, क्या कर रखा है सरकार ने तो बेकार कर ही रखा है कारोबार।